अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली और इंद्रप्रस्थ एजुकेशन रिसर्च व चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दौलत राम कॉलेज मोरिस नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में निशुल्क इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन यानी स्वाइन फ्लू टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर के कर कमलों द्वारा किया गया। कैंप की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती सविता राय और उनके स्टाफ का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। इस कैंप द्वारा यूनिवर्सिटी के तकरीबन 100 गरीब बच्चों, मजदूरों, कॉलेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को निशुल्क लगाया गया। इस बदलते मौसम में इस टीके के अनेक फायदे हैं। इस टीके के लगने के बाद छोटी छोटी मौसमी बीमारी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, दमा जैसी अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है और शरीर में अनेक प्रकार से होने वाली बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली के चेयरमैन राजेंद्र मूर्थलिया जी की जमकर तारीफ की और कैंप के समापन पर संस्था के चेयरमैन राजेंद्र मूर्थलिया जी ने भी दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता राय और उनके पूरे स्टाफ का सहयोग देने के लिए और ट्रस्ट तैलूस इंटरनेशनल जिन्होंने इस कैंप को स्पॉन्सर किया था, सभी को तहे दिल से शुक्रिया किया। आप आज दौलत राम कॉलेज में आए हैं और जो अग्रवाल समाज के जरिए जिस कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करता हूँ, 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। वैसे ही इतना अच्छा काम श्री राजेंद्र जी मूर्थलिया, चेयरमैन अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट, जो दौलत राम कॉलेज के अंदर कैंप लगाया है वैक्सीनेशन का, ये बहुत ही सराहनीय है और ये समय समय पर चैरिटेबल कार्य करते रहते हैं और मैडम भी इनके साथ, प्रिंसिपल मैडम पूरा साथ देती हैं, क्योंकि साथ मिलने से ही कार्य होता है जो भी है। तो इसलिए इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई, आपने इतना अच्छा पुनीत कार्य जो किया है, जो 2000 का वैक्सीनेशन मतलब निःशुल्क लगा रहे हैं, फ्री लगा रहे हैं गरीब बच्चों के लिए भी, वैसे भी है ना, तो ये हर एक आदमी नहीं कर सकता। तो ये मूर्थलिया जी इसके बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सविता रॉय, प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज। हमने राजेंद्र प्रसाद मूर्थलिया जी ने हमें अप्रोच किया और बहुत ही सराहनीय एक प्रोजेक्ट के लिए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। हमारे एनएसएस की टीम ने दौलत राम कॉलेज में अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट करके ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की एक कैंप लगाई और मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ मूर्थलिया जी को, जिन्होंने सोचा कि ये कैंप कॉलेज में भी लगाया जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉलेज भी खुल रहे हैं और इस वक्त मौसम भी ऐसा है, अगर बच्चों को ये वैक्सीन लग जाती है तो उनको बीमारी इस पूरे साल में नहीं होगी, बचे रहेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई बिना इंटरप्शन के कर पाएंगे। इसके लिए मैं बहुत ध्यान धन्यवाद देती हूँ मूर्थलिया जी का और ट्रस्ट का, और ऑल्सो फ्यूचर में भी मैं देखती हूँ कि अगर ऐसे कोलैबोरेटिव प्रोग्राम समाज के साथ कॉलेजेस के, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हो जाएं तो बहुत ही फ्रूटफुल कोलैबोरेशन। आज यहाँ पे स्वाइन फ्लू का कैंप लगाया गया है हमारी संस्था के तरफ से, इंद्रप्रस्थ एजुकेशन रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। मैं इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस संस्था को कैंप लगाने में टेलस इंटरनेशनल कंपनी जो है उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। उनके ही डोनेशन पे आज हम ये कैंप लगा रहे हैं और लेकिन ज़रूरतमंद मैंने देखा ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत इस कॉलेज में बहुत गरीब बच्चे हैं जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग भी हैं और वो पढ़ने में भी, उनको फीस में भी दिक्कत हो रही है और वो वैक्सीन क्या लें। तो हम लोग ये सोच के आए कि यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड वाले बच्चे हैं जिनके गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम उनको भी ये वैक्सीन लगाएँ। और इसके लिए टेलस को मैं धन्यवाद देता हूँ और टेलस कंपनी से मैं आग्रह करूँगा कि आगे भी ये प्रोग्राम हो। सर, आज दौलत राम कॉलेज में आपके द्वारा, आपके समाज के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया, कैसा लगता है? आज दौलत राम कॉलेज में
इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये हमने दो दिन पहले ही यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय से बात की, उन्होंने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक मिनट में बोल दिया, जबकि यहाँ पर जिस हिसाब से हमने वैक्सीनेशन लगानी थी उतने हमारे जो हमारे जरूरत थी या हम जितना चाहते थे उससे बहुत कम लगी हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, जिन जिन बच्चों ने वैक्सीन करवाई है वो इतने खुश थे, यहाँ का सारा स्टाफ इतना खुश था, अब मैं कह नहीं सकता। लगभग कितनी वैक्सीन आज लगाई गई हैं? तकरीबन अभी तक 60-70 के करीब लग चुकी हैं और थोड़ा टाइम हो रहा है, इसमें 10-20 और लग सकती है। इस तरीके का लगातार मतलब कहा जाता है कि बच्चों के लिए इस मौसम जो चेंज हो रहा है उसमें बीमारियाँ आती हैं और उनके लिए खासकर ये चीज़ें का वैक्सीन काफ़ी फायदेमंद रहेगी, तो बच्चों का एक तरीके से आपको उत्साह दिखा इस चीज़ में? हाँ, जो बच्चे यहाँ पर आए बड़े उत्साहित थे और जो बड़े भी लोग भी आए, जो भी मतलब यहाँ पे कर्मचारी काम करने वाले हैं, चौकीदार हैं, जो भी हमारे पास है, मतलब इतनी आत्मीयता से वो लगवा गए हैं, उनको इतनी खुशी हुई है, क्यों इसके लगाने से खांसी जुकाम बुखार जो भी ये मौसम चलेगा ये नहीं होगा।